नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है ठाकरे परिवार की सबसे ताकतवर बहू स्मिता ठाकरे की। आपका स्टूडियो में बात बता रहे। नमस्कार। आप ताकतवर तो हैं अभी भी ना? ताकत बस आप सभी से मिलनी चाहिए। मुझे अपने आप अंदरूनी एक ताकत जरूर है और वो ऊपर वाले ने दी है, माँ बाप के आशीर्वाद ने मिली है, तो मैं उस ताकत का जरूर इस्तेमाल करूंगी। स्मिता को ताकत तो ठाकरे से मिलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठाकरे से मिलती है क्योंकि फिलहाल जो 23 साल मैं उस फैमिली से जुड़ी हूँ और वो शुरुआत ताकत उस नाम से मिली जरूर है। हर किस उस औरत को मिलती है जिसका एक पावरफुल सरनेम हो, पर अगर खुद में अगर उतनी ताकत नहीं है तो वो ज्यादातर सस्टेन नहीं रहती। वो ताकत को बरकरार करने के लिए अपने आप की ताकत भी इस्तेमाल करनी जरूरी है। 23 साल आपने कहा, 23 साल में उस शिवसेना परिवार में आप रही जी। लगता है कि 23 साल के बाद आपको लगा कि शिवसेना परिवार जो है आपके लिए लाइबिलिटी होता जा रहा है, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी कांग्रेस से आपका अफेयर शुरू हो गया। नहीं, लायबिलिटी तो अभी भी नहीं लग रहा है क्योंकि परिवार एक अलग मुद्दा है। वहाँ उनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं, मेरा नाता है, जो मैं अभी भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, जो बाला साहेब ठाकरे जी को उनको मैं एक ना ही के बहुत एक अच्छा लीडर देखती हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा ससुर है, वो बहुत अच्छा फादर है, वो बहुत अच्छे ग्रैंड फादर है, तो उनका जो रिश्ता है, जो निजी रिश्ता है, वो वैसे ही रहेगा और आखिर तक रहेगा। तो राजनीति और पारिवारिक रिश्ते को मैं मिक्स नहीं करना चाहती। पर पिछले कुछ दिनों से लगा, जैसे आपने कहा कांग्रेस अच्छी पार्टी है, सोनिया गांधी अच्छा काम कर रही हैं, राहुल गांधी अच्छा काम, तो आपको लगता है शिवसेना से आप थोड़ा खपा दिखा रहे? जब तक बाल ठाकरे एक्टिव थे तब तक ऐसा लगता था कि सबसे ताकतवर आप बहू हैं और आप ही की बात चलती है। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं बाला साहब कहना चाहती हूँ क्योंकि बाला साहब ही सभी कहते हैं और आज भी बाला साहब ताकतवर है। वो थोड़ी सी उनकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, तो वो मैं ऊपर वालों को दुआ करूंगी कि उनकी तबीयत वैसी ताकतवर रहे और शिवसेना को आज बाला साहब की बहुत जरूरत है, हमें सबको जरूरत है एज अ ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर। मैं शिवसेना में कभी जुड़ी नहीं थी तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं शिवसेना का की आवाज थी या शिवसेना की ताकत थी या उसका कोई हिस्सा थी। पर आप शिवसेना के आपके खिलाफ है ना, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, ऐसा लगता है कि आप शिवसेना के खिलाफ हैं? नहीं, मैं खिलाफ मैंने अभी तक बात नहीं की, पर मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी जो आइडियोलॉजी है। मैं हमेशा पहले भी बात करती थी कि जिस तरह के का उनकी रिएक्शंस होती है, क्योंकि मैं खुद उस वैसे विचार रखती नहीं है। शुरू से लेके मैं सिर्फ एक सामंजस्य, आप बात करो, उससे सोल्यूशन निकालो, तोड़फोड़, ये सब मुझे खुद को पसंद नहीं है। और मैं जिस तरह की जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हूं वहां मुझे सबको साथ में लेके चलना है और मैं इस बात को सहमत नहीं हूं कि जिस तरीके का तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। पर आपने पिछले एक साल में ये सब कहा कि जिस तरीके तरीके वो कर रहे हैं इससे हमें पसंद नहीं है। ये तरीके तो शिवसेना पहले से करती आ रही है, जब जिस दिन आपने शादी की थी परिवार में तब से ही वो डंडा मार पार्टी है। तभी कुछ कभी मारने वाले लोग, कभी किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि क्या आपको शिवसेना की स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है नहीं लगती, तब आपको बोलने का मौका नहीं। नहीं, क्वेश्चन आता तो मैं जरूर बोलती क्योंकि मैं आज भी बहुत उतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे, मैं व्यक्ति स्वातंत्र्य पे बिलीव करती हूँ और ना ही कवि साहब ने मेरे विचारों को दबाने की कोशिश की, ना किसी ने दबानी। आज बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि जो आपको सही लगता है वो आपको जरूर जबान पे लाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हिम्मत हमको मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, शिक्षण दिया है जो कि मुझे, मैं सही इस्तेमाल करना चाहूंगी, तो मैं क्यों चुप बैठूं? सीधी बात, बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है।